गुड मॉर्निंग क्लास गुड आफ्टरनून क्लास ये आपका लास्ट चैप्टर है जो ऑनलाइन ले रही हूँ मैं मे भी शायद आज या दो क्लासेस में मैं इसको कवर कर दूंगी जो आपका चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस तरह का जो चैप्टर है आपने सेवन क्लास में पढ़ा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस करता है ठीक है मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है तो वो इस चैप्टर में है कि कैसे करता है ठीक है और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट होता क्या है तो ये तो आप सबको पता ही है कि जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं एक होता है यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ठीक है तो नॉर्थ नॉर्थ पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं उसी तरह साउथ साउथ पोल भी रिपेल करते हैं दूसरी चीज जो आती है वो है नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं ठीक है ये तो सबको पता ही है सपोज यहाँ पे मैंने कोई और नॉर्थ और साउथ रख दिया है तो एक दूसरे के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे ठीक है देन तीसरी चीज जो निकल के आती है वो ये है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रहेगी ठीक है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही दिखाया अगर आप एक मैग्नेट को इस तरह से अलाइन करके छोड़ दोगे तो हाँ, अगर टिल्टेड सा आपको नजर आएगा तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें से वैसे क्वेश्चन नहीं आता है ठीक है ये आपको बेसिक है कि होता गया। अब यहाँ पे आप अः ये आपका एक, 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 एक एक्सपेरिमेंट टाइप ही है डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप एक बार मैग्नेट लेते हो और छोटी छोटी कीले जो लेते हो लोहे की उसको इस तरह से रखते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पोल्स हैं साउथ और नॉर्थ यहाँ पर बहुत सारा का सारा जो मैग्नेट है वो आपका पाइलअप हो जाएगा अट्रैक्ट uh, हो जाएगा और बाकी यहाँ बीच में थोड़ा कम आपको नजर आ रहा होगा तो इस तरह से आपकी कुछ फील्ड लाइन्स बनेगी ये इस तरह से ऐसे बनेगा जब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं फील्ड लाइन्स को तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्स पे बहुत ज्यादा और ये जो है यहाँ पे कम ठीक है जो कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ठीक है तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आपको जो दुख रही है उसका मतलब क्या है वो एरिया यानी कि इतना एरिया जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस होगा ठीक है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहां तक है मैं इसको ग्रीन से ही कर देती हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन से ही बनाया मान लीजिए आपके यहां तक यहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ठीक है और यहाँ पे आपकी आयरन नेल्स है तो आयरन नेल्स जो है वो इससे अट्रैक्ट नहीं होंगी ठीक है जहां जहां पर इसकी फील्ड लाइंस बनेगी जहां जहां तक इसकी कैपेबिलिटी होगी कि अट्रैक्ट कर सकता है ये वहीं तक इसको अट्रैक करेगा ठीक है आयरन को देन दूसरी चीज जो आती है वो है एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला दिस इज इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए टी फॉर टेस्ला।, टेस्ला टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस की मैग्नेटिक फील्ड को जनरली डिफाइन करते हैं और कैरेक्टरिस्टिकटेंट uh, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से पूछ लिया जाता है तो, क्या, अब यहाँ देखो फील्ड लाइन्स अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन टू साउथ पोल ऑफ द मैगनेट यहाँ देखो आप देख सकते हो नॉर्थ पोल से अराइज करके साउथ पोल पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ठीक है नॉर्थ से साउथ वहां पे ऊपर डायग्राम क्लियर नहीं है इसी तरह आपके अंदर यहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बन रही होंगी तो अंदर की तरफ जो होती है वो ऐसा होता है कि साउथ से एंटर कर रहा है और नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन को दिखाया हुआ है क्लियर साउथ से एंटर करेगा और नॉर्थ से चला जाएगा उसी तरह यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी फील्ड लाइन्स आर क्लोज कर्व तो यहाँ पे आपको दिख ही रहे क्लोज कर्व होते हैं ठीक है टिक फील्ड सिंपल सी बात है जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉग होगी वहां पर एक क्लोजर होंगे तो मान अगर एक डायग्राम में एक में ऐसे में थोड़ा खुला दिखाती हूँ तो जाहिर सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे ज्यादा है तो आप ये चीज याद रखेंगे कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है वहां पे फोर्स ज्यादा है तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे इनके इनको क्लोज दिखा दूंगी बिना टच किए दैट मीन्स यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस तरह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट क्योंकि फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है राइट right? अगर मैं ऐसे दिखा दूंगी तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन यहां पे भी जा रही है और यहां पे भी जा रही है तो ये पॉसिबल नहीं है तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अः इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दिखा रहे हो तो वो गलत क्यों है तो आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा इंटरसेक्ट करेगी तो इससे इसकी दो डायरेक्शन निकल के आ जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है इज इट क्लियर तो ये थोड़ा इसमें से एक आध क्वेश्चन बन, बन सकता है डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इन मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोला कि साउथ से लेके जब नॉर्थ में जा रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखा रहा होता है यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि यहां से अंदर जा रहा है साउथ से और नॉर्थ से बाहर आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड वही चीज आ गई जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे के पास है दैट मींस उतना आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है उतना फोर्स ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है जब मैग्नेटिक फोर्स होती है तो जो एक मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फोर्स निकालता है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है वो सारा का सारा एरिया जहां तक वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जहां तक उसकी कैपेबिलिटी है कि वो उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे एक तो क्लोज कर्व होते हैं अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ पोल में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाती है तीसरी चीज जितनी ज्यादा क्लोज होंगी दैट मीन्स वो उतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और जितनी कम होगी वो उतना कम है पोल्स पे फोर्स ज्यादा होती है ठीक है एज कंपेयर टू ये वाले रीजन के ठीक है और कभी भी फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है चलिए ये तो था आपका ठीक है अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये देख लेते हैं। इमेजिन आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच the इज पॉइंटिंग current, ऑफ करंट द फिंगर्स रैप्ड अराउंड कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आप लोग अपना हाथ से भी बना के कर सकते हैं कि अगर आपने राइट हैंड लिया है और राइट हैंड में इस तरह से आपने इसको पकड़ा है कुछ अब दिख रहा होगा मेरा हाथ ठीक है आप देखोगे मैंने इस तरह से मोड़ दिया ये नीचे थम नीचे की डायरेक्शन जा रही है और इस तरह से मेरी फिंगर्स जो है वो टर्न हो चुकी हो चुकी है तो ये जो नीचे की डायरेक्शन है वो आपका क्या दिखा रहा है एक कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है ठीक है दिख रहा है सबको एक कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है और इस तरह से आपकी इस तरह की जो गोल लाइन है क्लोज लाइंस है कंसेंट्रिक लाइंस है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है ठीक yeah, है आप देख सकते हो यहां पे, जहां पे आपने उंगलियां रैप की ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये क्या दिखा रहा है ये एक स्ट्रेट सर दिखा रहा है ये एक कंडक्टर है ठीक है इसमें से करंट पास हो रहा है कंडक्टर में से करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल में से आपका जो पूछा जाएगा वो डेफिनेशन आती है व्हाट आर व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल और इसका डायग्राम इस तरह से पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां तक तो आप ये पढ़ रहे थे कि एक मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा लेकिन जो कंडक्टर होता है मतलब एक जो जिसमें से करंट पास होता है उस वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है तो अब आपका जो चैप्टर है वो एक्चुअल में इसी पे बेस्ड है तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्ट्रेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो किस तरह से होगा तो यहाँ पे आपको एक सर्किट की तरह से दिखाया हुआ है मैं इस डायग्राम में ही आपको बता देती हूँ यहाँ पे की प्लग ऑन है ये आपको डायग्राम दिख रहा है मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं चलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखाती हूँ इस तरह से इसमें से कंडक्टर है ठीक है और ये पेपर की तरह इस तरह से लगा दिया ताकि हमें पता लग सके कि, कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पे इन्होंने प्लग कील कर दिया है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है बैटरी यूज किया है ठीक है बैटरी से क्या मिलेगा वोल्टेज मिलेगा और ठीक है से, से भी लगाया हुआ है तो जब यहाँ से करंट पास होगा आई पास होगा तो हम देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है वो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है गोल गोल ठीक है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी प्रोड्यूस होंगी ये डायग्राम आता है कि जो कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ये उसका डायग्राम बना के दिखाओ तो आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हम इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब बहुत सारे सर्कल्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ठीक है उसके और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर तो मैंने आपको सिर्फ यहां बना के दिखाया लेकिन हर जगह पे इसी तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी हर जगह पे एक जगह पे नहीं और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आता है डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास इसकी जो डायरेक्शन है वो हम इस तरह से जो हमने राइट हेंड का रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं और बाकी जो चीजें निकल के आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो किस पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करेंगी कि इसमें से करंट कितना जा रहा है तो जितना ज्यादा करंट होगा जितना ज्यादा एमपियर का करंट होगा उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी क्लियर ठीक है मतलब ये लगा लो अगर मैं ये दो डायग्राम आपको दिखाती हूँ एक डायग्राम में ऐसा बनाया और मैंने एक डायग्राम में मैंने ऐसा बनाया ठीक है ठीके? तो इस डायग्राम से आपको नजर आ रहा होगा कि जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा क्लोज है तो यहाँ ज्यादा क्लोज है दैट मीन्स यहाँ पे करंट ज्यादा जा रहा है ठीक है तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो एक दूसरे के प्रपोर्शन होते हैं यहाँ पे आपको दिखाया ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट स्ट्रेंथ की करंट uh, की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट ये निकल के आता है सेकेंड चीज जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जैसे जैसे कंडक्टर की दूरी बढ़ती जाएगी ठीक है कंडक्टर की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो सर्कल है जो करंट की जो स्ट्रेंथ है मतलब फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और कम होती जाएगी तो इसलिए आपको दिखेगा कि जो सर्कल है वो बढ़ता चला जा रहा है अभी आपको बताया था कि सर्कल बढ़ता जा रहा है इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है दैट मीन्स ये इसकी जो दूरी है वो इससे बढ़ती जाएगी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा ठीक है तो जितना ज्यादा कंडक्टर के पास होगा कंडक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा बनेंगी जितना दूर जाएगा वो उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उसका जो आप डायमीटर है या एरिया तो दूसरा जो फैक्टर है इस पर डिपेंड करता है वो है वन बाय डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। दो फैक्टर जिन पे डिपेंड करता है तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनपे आपका जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है तो यहाँ पे मैंने बना दिया वन बाय डिस्टेंस तो इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी ठीक है डिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा होगी तो इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा होगी लेकिन यहाँ 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 जितना दूर जाएगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी वीक हो जाएगी ठीक है ये आपको क्लियर है अब ठीक है आगे बढ़ते हैं इससे आज मैं आपको इतना करवा दूंगी फिर ये वाले जो टॉपिक हैं, वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ इस, इस तीन तीनों वर्कशीट में देखती हूँ आपको करवा पाऊंगी या नहीं आज में मैग्नेटिक फील्ड करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप अभी हम क्या पढ़ रहे थे स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ रहे थे अब हम देखते हैं कि अगर आपका जो कंडक्टर है वो मुड़ा हुआ है लूप की फॉर्म में है तो उसमें से आपका ये कनव, जो लाइंस है फील्ड ऑफ लाइंस है वो कैसे होंगे अब यहां पर भी क्या होगा यहां पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी लेकिन जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा यहां पे जैसे हमने क्या सर्कल जो है वो बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं every point on wire carrying current would give rise to magnetic field appearing as straight line at center of loop the direction of magnetic field inside the loop is same चलो इसको डायग्राम से बनाते हैं इस तरह से आपको एक लूप दी गई है कि अगर आपका कंडक्टर कुछ इस तरह से है लूप की फॉर्म में मुड़ा हुआ है ठीक है वायर को ऐसे मोड़ दिया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी तो इन्होंने डायग्राम दिखाया है कि इस तरह से इस केस में क्या होगा कि हर पॉइंट एक तरह से स्ट्रेट कंडक्टर की तरह फॉर्म स्ट्रेट कंडक्टर की तरह मान लेते हैं और जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं वैसे यहां पर भी बन रहे ठीक है लेकिन जैसे जैसे सेंटर में आएगा इसके तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ठीक है एक तरह से वीक आएगा यहाँ पर बहुत कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहां पर भी क्या होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे लेकिन डिफरेंट क्या है सर्कल्स जो हैं वो लार्ज होते चले जाएंगे और वायर के हर एक पॉइंट पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ लूप में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द लूप इज सेम और यहाँ पे जो डायरेक्शन होंगी सबकी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सबकी सेम ही होती है ये तो पता है अलग अलग डायरेक्शन तो होती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अब जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ जा आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती है तो अगर इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप डायग्राम के थ्रू बताइए कि सर्कुलर लूप में किस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो आपको इस तरह से डायग्राम दिखाना होगा मैंने शायद पूरा ही दिखा दिया आप इस तरह से सर्कल दिखाएंगे और फिर ऐसे ऐसे कर देंगे इसको जैसे कि आपका यहाँ पे किया इसको दोबारा से बनाते हैं इस तरह से है तो यहाँ पे आप ऐसे सर्कल्स दिखा देंगे ठीक है इस तरह से ऐसे 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 हो गया इसको प्रैक्टिस करोगे दो तीन बार तो आपको आ जाएगा ठीक है और ऐसे ऐसे अब इसको दिखा देंगे और बीच में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है अब फैक्टर्स जो है वो सिंपल सी बात है एक तो है करंट पे ही डिपेंड करेगा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी देखो ये दो वाले जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है जो कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़े है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो प्रोपोर्शनल है किसके करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें प्रोड्यूस होंगी अब जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी जैसे मान लो ये कंडक्टर है यहां से आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती चली जाएगी तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिपेंड करती है कि आपने ये तो एक कॉइल की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी जो वायर है वो इस तरह से ऐसे कई लूप्स में ठीक है ठीके? इस तरह के बहुत सारे लूप्स बन गए तो क्या होगा यहाँ के हर एक उसमें आपको देखोगे करंट फ्लो करेगा अगर आपने वायर ऐसे लिया लूप की तरह ले ली तो क्या होगा हर जगह करंट फ्लो हो रहा है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ लूप है अगर यहां पे मैंने तीन लूप बनाया वन टू थ्री तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन गुना बढ़ जाएगी ठीक है तो जितने ज्यादा लूप होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उतना ज्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी एक में अगर एक है तो दो में दो हो जाएगी तीन में तीन हो जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली पोर्शन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द तो जितना ज्यादा अगर थ्री है तो थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा सिक्स है तो सिक्स टाइम्स बढ़ेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स ये आप लोग इसके डायग्राम जरूर आप प्रैक्टिस करना ये पेपर में आ जाता है कई बार तो इसमें और कुछ नहीं है इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है कुछ नहीं है बस आपको ये दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं और ये डायग्राम आपको आना चाहिए पेपर में मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनादर लूप दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन अब डे क्या कह रहे हैं कि अगर आपने लूप लिया है जैसे एक लूप ले ली दो लूप ले ली तीन लूप ले ली इसमें से सब में से आपका करंट जा रहा है इसमें से भी करंट जा रहा है इसमें से भी करंट जा रहा है इसमें से भी करंट जा, जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जो होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एड ऑन होती जाएगी ठीक है अगर मान लो यहाँ से एक जा रहा है यहाँ पे भी एक जा रहा है यहाँ पे भी एक जा रहा है तो ये तीन गुना हो जाएगा क्योंकि करंट आपके कंडक्टर की डायरेक्शन तो एक ही है करंट की डायरेक्शन सेम होगी ऐसा तो नहीं कि एक करंट यहां जा रहा है एक करंट यहां जा रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतने गुना बढ़ेगी ये भूमि इतनी लेट क्यों आ रही भी क्लास में चलिए सोलिनॉइड है आपका uh, ये भी इंपॉर्टेंट तो है तो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाता है सोलिनॉइड की डेफिनेशन आ जाती है इसका डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है इस तरह से ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करना वट इज सोलिनॉइड सोलिनॉइड और गिव एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये पक्का आता है प्रैक्टिस पक्का करके जाना चलिए पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपने एक तार लिया कॉपर की वायर ली और उसको ऐसे मोड़ते मोड़ते चले गए और एक सिलेंडर की शेप दे दी उसको ठीक है एक कॉइल था जैसे मान लीजिए यहां पे आपका एक, एक लंबी सी तार थी आपने इस तार को क्या किया सॉरी आपने तार ली और इस तार को सिलेंडर की शेप में इस तरह से ऐसे मोड़ते चले गए ठीक है तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप बोलते हैं सोलिनॉइट ठीक है कॉपर वायर को आपने टर्न कर दी लूप फॉर्म में इस तरह से सिलेंडर की शेप में लेके आ गए ठीक है यह दिख रहा होगा आपको यहां पे, अब यहां पे आप देखोगे जो उसकी शेप है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह हो गई तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो बार मैग्नेट की तरह ही आपको नजर आ रही है ठीक है कि आ, पोल्स पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है और यहाँ पे कम है ठीक है एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है कि अः इस पे आ, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलोनाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है ठीक है तो सोलोनाइट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो इस तरह से होती है एक दूसरे के पैरलर होती है ठीक है आप कंसेंट्रिक सर्कल मत लिख के आ जाना क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अंदर बार मैग्नेट में इस तरह से फील्ड लाइंस जाती हैं तो एक दूसरे के पैरलर होती हैं इंटरसेक्ट नहीं करती अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलनाइड में अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही वो पैर डायरेक्शन में ही क्यों जा रही है तो आप सिंपली लिख सकते हो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती इसलिए पैलर में ही होती हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलनाइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन साइड सोलनाइड ये इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिफॉर्म ठीक है एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैलर फील्ड लाइन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दिस सोलिनॉइड है वो कैसी होती है उसको दिखाओ शो करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे शो कैसे करें तो शो में आपको कुछ नहीं करना आपको इस तरह से पैरल लाइंस दिखानी है इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है यूनिफॉर्म के मतलब हर जगह सेम होती है तो कि यहाँ पे यहां पे हर जगह सेम होगी और एक दूसरे के पैरेलल होती है ये आप दो वर्ड्स याद रखेंगे ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दी सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरल टू ईच अदर ठीक है और इसमें क्या है बाकी जैसे बार मैग्नेट में था कि आउटसाइड दी सोलेनाइड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन शो होता है और इनसाइड दी सोलेनाइड साउथ टू नॉर्थ एंटर करता हुआ नजर आ रहा है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आपको डायरेक्शन में दिखाई हुई है ये साउथ है ये नॉर्थ है ये साउथ और ये नॉर्थ तो आपको दिख रहा होगा साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करके डायरेक्शन दिखा रही है और छोटा-छोटा लिख रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा और नॉर्थ में इस तरह से आपको बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस सोलनाइट का इस्तेमाल हम सॉफ्ट आयरन जो होता है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए भी करते हैं आई थिंक 6 7 में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर से स्केल को अब लोहे के स्केल को आप बार बार मैग्नेट उसके ऊपर ऐसे लगाओगे तो लोहा भी जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसी तरह से अगर इसके अंदर, इसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन रख दिया ठीक है तो कुछ टाइम के बाद जो सॉफ्ट ये आपने वायर ले ली इसमें से करंट पास हो रहा है करंट पास होने की वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर दी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्रोड्यूस हो रही है तो आपने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख दिया तो वो सॉफ्ट आयरन भी आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस सॉफ्ट आयरन के रखने से वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है सोलनाइट का उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और अंदर कैसी फील्ड ऑफ लाइन है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज टेम्प्री मैग्नेट सो कैन बी इजिल डी मैगनेटाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जो आप आपने कुछ टाइम के लिए बनाया है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ करंट ठीक है मान लो किसी सॉफ्ट आयरन की बात कर लो सॉफ्ट आयरन को आपने मैग्नेटाइज कर लिया लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी तो ये एक इलेक्ट्रो है ठीक है परमानेंट मैग्नेट केन नॉट बी इजिली डी मैग्नेटाइज जो परमानेंट बा मैग्नेट होते हैं जो आप हम लैब वगैरह में आपको दिखाते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा रहेगी कभी खत्म नहीं होगी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी कि करंट कैसा जा रहा है करंट ज्यादा होगा तो जो आपका इलेक्ट्रो बनेगा आप किसी चीज को मैग्नेट बना रहे हो आयरन को मैग्नेट बना रहे हो तो वो कैसा होगा वो भी ज्यादा होगा करंट कम जा रहा है तो उस, उसमें जो मैग्नेटिक कैपेबिलिटी होगी वो भी कम होगी बाकी जो हर तरह की जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती, हो, होती है वो सेम होती है पे इलेक्ट्रो मैग्नेट को आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप इसको बना रहे हो तो अगर बहुत ज्यादा करंट दोगे तो जो आपका मैग्नेट बनेगा इससे इलेक्ट्रो वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा लेकिन इसके तो फिक्स्ड है तो ये अब स्ट्रांग नहीं होता ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल से कूड़ा वूडा उठाने के लिए भी किया जाता है नॉर्मली कि लोहे को मैग्नेट बना दिया करंट पास करके और फिर उससे आप बाकी चीजें लोहे की अलग चीजों को उससे निकाल रहे हो भारी भारी बड़ी बड़ी आ, काफी वजन वाली जो चीजें होती है लोहे की तो ये बहुत ही अच्छा नोट्स दिया हुआ है आपको सिंपल से अब आप मुझे ये बताइए कि मैं थर्ड वर्कशीट अब आज करवा दूं या फिर नेक्स्ट क्लास लूं क्योंकि तो वही वर्कशीट रह गई आपकी या तो मैं आपकी वो अगली क्लास में लूं या तो मैं इसको आज ही खत्म करा देती हूँ जल्दी से मुझे बताएंगे लेट क्यों आ रही क्लास में जब क्लास खत्म हो चुकी है दिव्या मुझे ये बताइए कि मैं आपको थर्ड वर्कशीट करवा दूं अभी थर्ड वर्कशीट करवा दूं या फिर अच्छा नेक्स्ट क्लास में क्यों आज मन नहीं कर रहा यादव ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया चलिए मैं देखती हूं क्या है उसमें आपका कुछ बच्चे बहुत लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्यों जब क्लास खत्म हो गई है पार्ट टू ये रहा। एक ही रह गया आपका ये रह गया चलिए इसको मैं आपको अगली क्लास में करवाती हूँ क्योंकि इसमें काफी कुछ समझाने का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है एक बच्चा कह रहा है करवा दो एक बच्चा कह रहा है मत करवा इस इसमें काफ़ी लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आधे एक घंटे की क्लास ले लेती हूँ उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे अपने रिस्पॉन्स तो दो भाई नहीं तो मैं आगे करवाऊँ एक तो तुम क्लास में नहीं आते हो नहीं कैसे पेपर दोगे जल्दी बताइए कोई रिस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का मैं इसको करवा रही हूं ठीक है चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो मैं एक मिनट का ब्रेक लेती हूं ठीक? दो मिनट का ब्रेक ले रही हूँ क्लास में दो मिनट का ब्रेक ले रही हूँ फिर ये वाले जो वर्कशीट है वो मैं इसको आज कंप्लीट करा दूंगी ठीक है पानी भी क्या आती हूँ चलिए हमारा जो नेक्स्ट चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बोलोगे हम मैम हर टॉपिक में बोलते इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में कुछ भी आ जाता है तो अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में से काफी बार पूछा जाता है when a conductor is placed in a changing magnetic field some current is induced in it such current is called induced current and the phenomena is called electromagnetic induction ab yahan pe kya ho raha hai abhi tak aapne jo last uh, वर्कशीट थी उसमें ये पढ़ा कि कंडक्टर जो होता है जिसमें से करंट जा रहा होता है वहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो कि आप किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हो तो उसकी वजह से भी उसमें करंट फ्लो होता है समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ठीक है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस करंट मैं थोड़ा अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहे थे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर ये जो फिनोमिना है अगर इस तरह से आपका जो करंट बनता है या उसे हम बोलते हैं इंड्यूस करंट और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आ रही होगी एक, एक व्यक्ति की जो है माइकल फेरेडे उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था यहां पे आपका एक क्वाइल है इसको ध्यान से देखेंगे टेक अ क्वाइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वाइल्स हैं बहुत सारी इस तरह से लगी हुई हैं इसको गैलोनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है गैलोनोमीटर का इस्तेमाल क्यों होता है ये देखने के लिए कि यहाँ पे करंट है या नहीं ठीक है गैलवनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल होता है ये पता लगाने के लिए कि वायर में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा तो अगर थोड़ा सा भी करंट जाता है तो यहाँ पे जो इसकी सुई होती है वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है घूम जाती है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्ट्रॉ बार मैगनेट एंड मूव इट नॉट टी एंड बी ऑफ दब यहाँ पे उन्होंने क्या किया एक मैगनेट ले लिया बार मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो जब आप बार मैग्नेट को यहाँ पे इसकी तरफ लेके आओगे तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी और जिसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा और ये हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ इस गैलोनोमीटर के थ्रू तो यहाँ पे अगर हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा डायरेक्शन चेंज होगी जीरो से कुछ वैल्यू आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे करंट आ गया अब आप इसमें देख सकते हो कि यहां पे कहीं पे भी कोई बैटरी या प्लग इन की कुछ भी नहीं किया हुआ दैट से जो करंट आया है वो इस मैग्नेट की वजह से आया है क्लियर तो यहां पर आपकी दो तीन कंडीशन होती है कि आप जब इसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हो मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल अगर इस मैग्नेट को आप मूव करोगे इसकी तरफ मतलब हिलाओगे अंदर की तरफ तो हमें ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो यानी कि मैग्नेट अगर मूव करोगे तभी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा दूसरी चीज अगर आपने मैग्नेट लिया उसको एक जगह पे रख दिया मैग्नेट को एक जगह पे रखने से आपका यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा मैग्नेट इज विड्रॉन मैग्नेट जो है उसको आप इसे पीछे की तरफ लेके जा रहे हो ठीक है तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी पहले वाले से अगर अगर पहले ऐसे दिखा रहा था तो अब ऐसे दिखाएगा Is it clear? तो तीन चीजें आप याद रहोगे आपसे पूछ सकता है कि अगर मैग्नेट को क्वाल के अंदर स्टेशनरी पोजीशन में रखेंगे मूवमेंट नहीं हो रही है तो क्या होगा तो आप सिंपल लिखोगे कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा और गैलोमीटर जीरो पे शो करेगा तो आपका जो बार मैग्नेट है वो करंट तभी प्रोड्यूस करता है जब आप उसको या तो उसके अंदर की तरफ लेके आ रहे हो या इसको ऐसे बाहर की तरफ लेके जा रहे हो अंदर का मतलब ये नहीं कि उसको अंदर लेके आ रहे हो मतलब इसकी मूवमेंट कर रहे हो या तो उसके पास लेके आ रहे हो या उसके दूर लेके जा रहे हो ठीक है गैलोनीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट तो ये भी आपको पता होना चाहिए

ये आपकी सुई है ना तो ये सुई आपकी यहाँ लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी जा सकती है तो जैसे यहां पे था ना अंदर की तरफ जा रहे थे तो अलग डायरेक्शन थी बाहर की तरफ जा रहे थे तो इसकी अलग डायरेक्शन थी ये याद रखेंगे आप लोग चलिए अब इन्होंने कुछ और चेंजेस किए हैं वो देख लेते हैं चलिए इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता सकती हूँ ऐसे आपको समझ नहीं अब यहां पे इन्होंने क्या किया है इसको देखते हैं हम्म क्या कर दिया इस तरह से दो क्वाइल लिए ठीक है ठीके? इस तरह से दो कॉइल्स लिए एक में तो इन्होंने गैलोमीटर को कनेक्ट कर दिया और यहां पे इन्होंने करंट की सप्लाई दे दी है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या आपका प्लग इन की भी है अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या हो सकता है यानी कि गैलोमीटर यहां शो किया है तो हमें यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करना है ठीक है जहां पे गैलोमीटर कनेक्ट है दैट मीनस वहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करना है लेकिन यहाँ पे कोई बार मैग्नेट नहीं है यहाँ पे दूसरी जगह आपका एक क्या है कंडक्टर है तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होने की वजह से इस वाली जो वायर है उसमें आपका करंट प्रोड्यूस होगा समझ में आ रहा है इसमें आपने क्या किया इसमें आपने नॉर्मल जो करंट फ्लो करते हो बैटरी और प्लग इन की करके उससे आपने करंट फ्लो किया यहाँ पे करंट फ्लो हुआ अब जब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से यहां पर आपका क्या हुआ क्या हुआ यहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और वो हमें पता लगेगा इस गैलोमीटर के हेल्प से एक बच्चे का नेट नहीं चल रहा है चलिए ये समझ आ गया यहाँ पे हमने क्या किया क्वाइल वन की क्वाइल वन ने क्वाइल टू में इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया चलिए इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि तुम्हारे सिलेबस में पता नहीं चलिए ये समझ में आ गया

और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसे हम बोलते हैं इंड्यूस करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यहां पे एक तरह से ई एम आई हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे इंड्यूस करंट यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है लेकिन यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे इस करंट की वजह से यहां पर करंट प्रोड्यूस हुआ है ठीक है तो ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस इसका एप्लीकेशन है जनरेटर बनाने में ग्यारोनोमीटर बनाने में ट्रांसफॉर्मर्स में इसको आप लर्न कर लेना वेस्ट टू इंड्यूस करंट प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लेसमेंट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर यह बता रहा है कि किस किस तरीके से आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो एक तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है कैसा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे इसको मूव कर रहे थे तो इससे क्या हो रहा था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हो रही थी जिसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था दूसरा हम कैसे कर सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ अटेटिक मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था ठीक है यहाँ पे कोई मैग्नेट यूज नहीं किया और उसकी वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ है ये तो आ, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज इम्पॉर्टेंट तो आप लोग अपनी राइट हैंड का इस्तेमाल करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा है If the forefinger indicates the direction of magnetic field and the thumb show the direction of motion of conductor, then this middle finger will show the direction of induced current when the criminium if hand right hand. अगर ये आपका कंडक्टर है थम और इससे ये थम से आपका कंडक्टर जा रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है ठीक है तो ये जो मिडल फिंगर है वो क्या दिखाएगा इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ है ठीक है इसमें से क्या जा रहा है इसमें से कंडक्टर जा रहा है ठीक है और ये आपका दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर और ये वाला आपका क्या दिखा रहा है करंट जो कि इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में ठीक है यानी कि इसको आपने अगर कंडक्टर को रखा है जिसमें से करंट जा रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो इसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ है और उसकी डायरेक्शन ये है इसको आप लोग खुद करना क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है एक और चीज़ ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जैसे ये इसके साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा ये इसके साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा और ये इसके साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा तो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाओ विद हेल्प ऑफ डायग्राम क्या और क्या इसमें चैप्टर खत्म और कुछ नहीं क्या इसमें चलिए तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है एक तो मीटर के बारे में पता होना चाहिए एक आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस कंडीशन में आपका इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और दो कॉइल्स अगर रखती हैं तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है कैसे करंट को प्रोड्यूस किया जाता है इंड्यूस किया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कौन सी चीज क्या शो कर रही है और इसका डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है तो चलिए ये तो था कि आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आप रिविजन कितनी करते हो ठीक है अब अब अगर आप मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की तो फर्स्ट चैप्टर जो था आपका मई या जून में हुआ था तो वो वहां से आपको अपने हर एक चैप्टर अब रिवाइज करने शुरू कर देने चाहिए आज क्या डेट है आठ तारीख है तो अब आप कोशिश करेंगे कि रोज के रोज एक चैप्टर लेंगे साइंस का और उसको रिवाइज करते जाएंगे जो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरह से उसमें बन रहे हैं उसको आप लोग करेंगे ठीक है तो सिलेबस मेन होता है कि सिलेबस के सिलेबस में आप देखोगे अगर एक चैप्टर को आप चार दिन भी पढ़ा सकते हो आप छह दिन भी पढ़ा सकते हो लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है रिविजन है आप उसको बार बार रिवाइज करोगे उसको बार बार लिख के देखोगे प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की तो शायद आप ज्यादा अच्छे से पेपर में कर पाओगे क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा कि आपने लिखा कितना है और आप उसको कैसे अच्छे से लिख पा रहे हो समझ के इज इट क्लियर तो अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से अब आपके जो कुछ चैप्टर रह गए हैं स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह मुझे नहीं लगता मुझे इसमें क्लास लेने की कुछ ज़्यादा जरूरत है वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर मुझे जो लगेगा उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको ऑडियो के थ्रू बता दूंगी और अभी आपके शायद चैप्टर नंबर एट की रिप्रोडक्शन की वर्कशीट चल रही है तो अब एक काम करते हैं अब हफ्ते में एक या दो चैप्टर ले लेते हैं और उसकी फिर रिविजन शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर में ठीक है सिलेबस आपका खत्म हो गया है मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी अब आप, आपको, आपको रिवाइज करना है जितना आप रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो सैंपल पेपर्स के थ्रू सीबीएसई का सैम्पल पेपर आता है मार्केट में हंड्रेड uh, रुपीज का या टू हंड्रेड रुपीज का आप देख लेना साइंस का तो उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि uh, किताब में हम एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें से किस तरह से पूछ के बाकी तो बीच में आपको बताती रहती थी कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो आपने पढ़ लिया आपने याद कर लिया ठीक है लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे उसको लिख ही नहीं पाते पेपर में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कई सारे बच्चे ऐसे हैं तो वो चीज़ आप करेंगे अब आपके पास दो ढाई महीने हैं तो दो ढाई महीने मैं जितनी रिविजन कर सकते हो वो करो बाकी मैं आपको ग्रुप में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर वाइज वो दे सकते हैं तो मैंने चैप्टर वन का दिया था आ, कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको वन और टू मार्क्स के इस तरह के लेकिन मेरे पास किसी बच्चे का आया नहीं रिस्पॉन्स तो मैं अब यही करती हूँ वर्कशीट के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको देना शुरू कर दूंगी आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है बाकी कुछ इम्पोर्टेंट जो होगा वो आप लोग करते जाएंगे ऐसे हमने ये कर सकते हैं एक दिन में हमने डायग्राम्स ले लिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने एक दिन आपने न्यूमेरिकल्स uh, की प्रैक्टिस कर ली फिजिक्स के एक दिन आपने केमिकल रिएक्शन वाले कर लिए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हो जाएगा आराम से चलिए यहीं पर क्लास को रोकते हैं बाकी कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चों को कुछ है तो वो मुझे इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकता है नहीं तो आप ग्रुप में भी कुछ है कुछ आपको लगता है कि कुछ ठीक समझ नहीं आ रही है क्या है वैसे ना समझने वाला तो कुछ है नहीं वर्कशीट आपकी इतनी सिंपल एक्सप्लेन करके आती है कि आप आसानी से उसको कर सकते हो अब मेन जो आपका फोकस है वो रहना चाहिए रिविजन पे ठीक है हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है समझना है एक टॉपिक में uh, एक पैराग्राफ uh, में आपके चार या पांच तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं तो आप स्टडी करेंगे अब थोड़ा स्टडी करने का टाइम आ गया तो चलिए बाकी मैं बीच में आपको ग्रुप में मैसेज भेजती रहूंगी ठीक है क्लास यहीं पे खत्म करते हैं गुड आफ्टरनून बच्चों अब शायद नहीं मिलेंगे लाइव नहीं मिलेंगे ऐसे अब बात जो होगी वो व्हाट्सएप पे ही होगी ठीक है तो मैं कोशिश करूंगी बीच में एक दो क्लासेस लूँ आपके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले ठीक है चलिए आप देखते हैं आगे कैसे करते हैं ओके बच्चों बाय टेक केयर